यह है कुंभ नगरी हरिद्वार। ये भगवान शिव शंकर की मूर्ति भी नजदीक से ज्यादा दिख रही है अभी। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। अब हम अपनी अगली यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सामान तो हमारा पैक हो चुका है, बस अब जाने की तैयारी है। कृपया आप बने रहिए चैनल पर, धन्यवाद। सामान हमारा पूरा पैक हो चुका है, अब की बार मैं विद फैमिली जा रहा हूँ। गाड़ी बिल्कुल पैक हो चुकी है हमारी, टिक्की फुल हो गई है। जाना हमें सिर्फ 4-5 दिन के लिए, लेकिन पैकिंग पूरी ऐसी लग रही जैसे हम 1 महीने के लिए जा रहे हों। चलो जी, आप कहाँ जा रहे हो? देहरादून घूमने जा रहे हो? अभी हम हैं दिल्ली मेरठ हाईवे पर, और इस हाईवे में गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है। कोई रेड लाइट नहीं है, बिल्कुल स्मूथली आप 100 और 120 की स्पीड से आराम से गाड़ी चला सकते हो। यह है कुंभ नगरी हरिद्वार, और सामने ये गंगा नदी है। सामने सारा वो हर की पैड़ी है, और यहाँ पे भगवान शिव की बहुत बड़ी मूर्ति आपको दिख रही होगी। मैं भी यहाँ पे पुल के ऊपर हूँ, लेकिन यहाँ पे सुंदर दृश्य देखो कितना अच्छा लग रहा है। पूरा सीन बहुत अच्छा लग रहा है हरिद्वार नगरी में। और आगे ये रोड आ रही है सीधा, यहाँ इसी रोड से आ रहे हैं हम, और ये सीधा ऋषिकेश के लिए निकल गया आगे। ये हर की पैड़ी से ठीक ऊपर मनसा देवी का मंदिर है। नीचे गंगा नदी बह रही है, सामने देखो 2 लाइटें कितनी खूबसूरत लग रही हैं, और ये सामने भगवान शिव का, शिव शंकर की बहुत बड़ी मूर्ति है यहाँ पे। मैं अभी पुल के ऊपर हूँ, नीचे से गंगा नदी आगे हर की पैड़ी में जा रही है, और वहाँ से लोगों का पाप धोते धोते और फिर उनके पाप का बोझा लेकर फिर आगे निकल जाएगी। और ये शाम का दृश्य वाकई में बहुत बड़ा मनमोहक है, बहुत सुंदर लग रहा है इसने यहाँ पर। ओ तो सुबह आएगा, हाँ इसमें रात में मज़ा आता है ना, वो कितना अच्छा है। वैसे सरकार ने नेशनल हाईवे तो बहुत अच्छे बना दिए हैं, अब आपको कोई भी शहर टच करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको रुड़की जाने की ज़रूरत है, ना हरिद्वार जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप बाईपास से होके सड़क से निकल सकते हैं, बिल्कुल बेखौफ, बेरोक, बेटोक। क्योंकि पहले तो रुड़की में जाम लगता था, हरिद्वार में जाम लगता था, लेकिन अब जाम की समस्या से मुक्ति मिल गई है। चलो, हरिद्वार तो हमने क्रॉस कर दिया, आगे नेपाली फॉर्म से हम लेफ्ट को हो जाएंगे देहरादून के लिए। ये अभी हम जिस रोड पे चल रहे हैं ये हमें सीधा देहरादून ले जाएगा बाया डोई वाला, और ये रोड भी बहुत अच्छी रोड है, कहीं ट्रैफिक जाम नहीं है, और मोस्टली लोग इसी रोड का उपयोग करते हैं देहरादून जाने के लिए। हालांकि हम बिहारीगढ़ से भी जा सकते थे, लेकिन वो रोड काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है, और इस रोड से हम जल्दी देहरादून पहुँच जाएंगे। नेपाली फॉर्म से मुश्किल से 30 मिनट लगते हैं देहरादून पहुंचने के लिए। अभी हम देहरादून पहुंचने वाले हैं, कितना टाइम लगेगा अभी हमें? आधा घंटा। ये रोड है डोई वाला वाली, नेपाली फॉर्म टुवर्ड्स देहरादून। क्या कितना टाइम लग गया हमें? 1:30 बजे निकले थे ना हम फरीदाबाद से, और अभी टाइम हो रहा है 6:50। रोड की हालत तो खैर अच्छी है, अब
कहीं ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना पड़ता, ना मोदी नगर, ना मुराद नगर, ना रुड़की। लक्ष्मी नींद आ रही है, है? दिन में भी तो सोई थी तू। है मतलब बढ़ता बच्चा है, दूसरा बच्चा सो गया, उसको तो आवाज ही नहीं आ रही है। चलिए हम तो पहुंचने वाले देहरादून, अगले ब्लॉक का इंतजार कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, हर हर महादेव।